देश के प्रथम CDS जनरल स्वर्गीय विपिन रावत की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर भाजपा मुख्यालय देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समेत पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय रावत के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज सभी ने संकल्प लिया है कि जनरल विपिन रावत के सपने को पार्टी और सरकार पूरा करेगी। जनरल विपिन रावत जी का असमय हम सब के बीच में से जाना, जहां उत्तराखंड राज्य के लिए तो बहुत बड़ी क्षति हुई पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी और उनके बहुत सारे सपने थे, विशेषकर हमारे राज्य उत्तराखंड के लेकर, दूर दराज के क्षेत्रों को लेकर, बागवानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों प्रकार से वो काम करना चाहते थे। हमारे यहाँ के जो नौजवान सेना में जाना चाहते थे, उन सभी के लिए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई थी और उनके असमय जाने से ज़रूर हम सबको बहुत बड़ा धक्का लगा। एक चेन जो बहुत तेज़ी से चल रही थी उसकी गति धीमी हुई, लेकिन आज क्योंकि उनका ये दिवस, आज हमने श्रद्धांजलि दिवस के रूप में यहाँ पर हमने सभी ने उनका स्मरण किया है और ये संकल्प भी लिया है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार उनके जो सपने थे, उनके जो संकल्प थे, जो उनके मन में उत्तराखंड को आगे ले जाने के विचार थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ेंगे और हर वर्ष उनको इसी प्रकार से हम लोग उनका स्मरण करके, उनके बताए हुए मार्गों को पुनः स्मरण करके उस पर आगे चलने का काम करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि पार्टी हर साल स्वर्गीय विपिन रावत की पुण्यतिथि के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करेगी। इस प्रकार से हम सबको छोड़ के चले जाएंगे, सबको कल्पना भी नहीं थी। देश की चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, बाह्य सुरक्षा हो, शुरू से इनको बहुत बड़ा योगदान था और आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर हमने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। आज ही हमने तय किया है कि हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रक्तदान के शिविर आयोजित करेगा।